أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون صدق الله العظيم. ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 109 से 114 तक 6 आयतें आप हजरात के सामने पढ़ी गई. गुज़िश्ता कल के दर्स में ये बात चल रही थी कि जब अल्लाह पाक के नाफरमान और अल्लाह पाक के मुनकिरीन को जब कब्रों से उठाया जाएगा, सूर फूंका जाएगा, अल्लाह के सामने पेशी होगी, तो इस हाल में होंगे कि उनके चेहरे बिगड़ गए होंगे, जहन्नम की आग उनको झुलसा रही होगी, सियाह कर रही होगी, और वो एतराफ़ करेंगे कि अल्लाह हम पर हमारी बदबख्ती दुनिया में गालिब आई, हम गुमराह थे, गलत रास्ते पर थे, इसलिए आज जो हमारे साथ ये हशर हो रहा है इसके कसूरवार हम हैं, 100% हम हैं, लेकिन अल्लाह आप हमें मौका दे दें कि हम वापस जाएं दुनिया में और उन सारी कोताहियों को, ख़राबियों को ख़त्म करके वापस आ जाएं, और फिर अगर हमने दुनिया में ऐसा किया तो फिर आप लाजिमन हमें जो करना चाहें कर लें. तो अल्लाह की तरफ से इरशाद आएगा, इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, अब बोलो मत, दफ़ा हो जाओ इसी जहन्नम में और अब मुझसे बातचीत मत करो. मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये अल्लाह पाक का अहले जहन्नम से आखिरी कलाम होगा, उसके बाद अल्लाह पाक उनसे कलाम नहीं फरमाएंगे. यानी अंदाज़ा लगाएं कि बंदा अल्लाह पाक से कलाम से महरूम हो जाएगा, इसके बाद फिर क्या महरूमी रह गई. अहले जन्नत की शान ये होगी कि इनसे अल्लाह पाक कलाम रहमत फरमाएंगे और जन्नत में जाने के बाद भी मौका ब मौका अल्लाह पाक इनसे तकल्लुम करेंगे, इनको अपनी ज़ात का दीदार कराएंगे. अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए. तो ये बात कल गुजरी, अब इनके साथ अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ये महरूमी इनके हिस्से में जो आ रही है, और इतनी नाराज़गी अल्लाह पाक की कि ये अल्लाह से दरख्वास्त कर रहे हैं अल्लाह एक मौका दे दे, वो रहमत और रहमान और रहीम ज़ात, लेकिन अल्लाह फरमा रहे अब मौका नहीं मिलेगा. इस मौका न मिलने का एक सबब तो तकजीब है, आपने बार बार सुना कि इसलिए कि इन्होंने हक बात को, हिदायत को झुठला दिया. तकजीब हक एक सबब है, और इसका एक दूसरा सबब अल्लाह की इतनी ज़्यादा नाराज़गी का और भी है, जिसको आज की आयत में अल्लाह पाक बयान फरमा रहे हैं, वो समझने का है दोस्तों. तकजीब हक, हक बात झुठला दी. दूसरी चीज़ अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वो तमस्खुर मकबूलीन है, कि ये वो काफिर, वो नाफरमान है, वो फासिक फाजिर लोग हैं कि जिन्होंने सिर्फ मेरी ज़ात को या मेरी बात को झुठलाया नहीं, बल्कि उसके साथ साथ इन्होंने मुझसे ताल्लुक़ रखने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले, मुझसे जुड़े रहने वाले बंदों का मजाक भी दुनिया में उड़ाया है. ये आयत बहुत काबिल गौर है दोस्तों. तमस्खुर, मजाक उड़ाना, और वो भी अल्लाह वालों का, नेक बंदों का, जिनका अल्लाह से राबता और ताल्लुक़ होता है, वो इंसान को कितना महरूम करेगा क़यामत के दिन, वो आज की आयत से आप अंदाज़ा लगाएं. इन आयत का तर्जुमा है, इन्नहु काना फरीकुम मिन इबादी. अल्लाह फरमाएंगे
आज के बाद तुमसे बातचीत नहीं होगी, माफ़ी नहीं मिल सकती। वजह फरमाएंगे, इसलिए इसका सबब यह है कि मेरे बंदों की एक जमात थी दुनिया में, मेरे बंदों की एक जमात थी, यकूलून रब्बना आमन्ना, जो ये कहते थे ए हमारे रब हम तो ईमान ले आए, फ़ख़फ़िर लना आप हमें बख्श दें, वरहमना हम पे रहम फरमा दे, व अंत खैरुर रहीमीन और आप ही सबसे बेहतरीन रहम करने वाले। तो मेरे बंदों की एक जमात दुनिया में ऐसी थी जो हर वक्त मुझसे मांगने में, मुझसे ताल्लुक़ में लगे रहते थे, लेकिन तुमने जालिमों क्या किया, फ़त्तख़स्तुमूहुम सिख़रिया, तुमने मेरे उन बंदों को मजाक का निशाना बनाया, उनका तमस्खुर किया, हत्ता अनसौकुम ज़िक्री, तर्जुमे पे गौर करें दोस्तों, हत्ता अनसौकुम ज़िक्री, यहाँ तक कि उनके मजाक उड़ाने ने तुम्हें गाफिल कर दिया मेरी याद से, तुम मेरे ज़िक्र को, मेरी याद को, इबादत को, अमाल को भूल गए, उड़ना बिछोना किसको बनाया, अल्लाह वालों के मजाक को, वकुंतुम मिनहुम तज़हकून, और तुम उन पर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, इन्नी जज़ैतुहुमुल यौमा बिमा सबरू, आज के दिन जो मैं तुम्हें बदला दे रहा हूँ ये उन मेरे ख़ास बंदों के सब्र का बदला है। तुम मजाक उड़ाते थे, वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे, सब्र करते थे, उनके उस किए हुए सब्र का बदला ये है कि आज तुम्हारे साथ ये हशर है। और सुनो, अन्नहुम हुमुल फाइज़ून, और मेरे जो वो बंदे थे वो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो गए। काला, फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे इनसे, अच्छा अब ये बताओ, कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ अदद सिनीन, तुमने ज़मीन में यानी दुनिया में सालों की गिनती के एतबार से कितना अरसा गुजारा होगा, कुछ याद आता है कि दुनिया में कितना वक्त रहे। कालू, ये नाफरमान कहेंगे, लबिसना यौमन अव बअज़ यौमिन, अल्लाह साल कैसे हो सकता है, ऐसा लगता है कि दुनिया में एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा गुजार के आए थे, बस इतना थोड़ा सा अरसा महसूस होता है। फ़सअल अल-आदीन, और आप इन गिनती करने वाले फ़रिश्तों से पूछ लें, ये बता देंगे। क़ाला, अल्लाह फरमाएंगे, इल्ला बिस्तुम इल्ला क़लीलन, वाकई तुम दुनिया में बहुत थोड़ा वक्त रहे, तुम्हारी बात सही है, तुम्हें बहुत थोड़ा अरसा मिला, लव अन्नकुम कुंतुम तालमून, काश के इस हकीक़त को तुम दुनिया में समझ लेते और जान लेते कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत कम है, और उस महदूद ज़िंदगी के बदले में आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी का गलत सौदा करने जा रहे हो, ये एहसास तुम्हें दुनिया में नहीं हो सका। तो इन आयात में मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक ने क़्यामत के दिन इंसान की महरूमी का एक दूसरा और बड़ा सबब बयान किया, और वो सबब है अहलुल्लाह का तमस्खुर करना और अल्लाह वालों का मजाक उड़ाना, जिनको अल्लाह ने फरमाया फरीक़ुम मिन इबादी, कि मेरे बंदों की एक ख़ास जमात है, एक टुकड़ा है, एक फरीक है, और जो हर वक्त मुझसे मांगने में, मुझसे दुआए मगफिरत में, मेरे रहम की उम्मीद में मेरे सामने लगे रहते हैं। तो इससे मुराद वही तबका है जिनका अल्लाह से ताल्लुक़ होता है, अल्लाह से जुड़े होते हैं, अहले हक़ है, अहले इल्म है, अहले दीन है, पाकीज़ा लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी तक़वा में, तहारत में, लिल्लाहियत में, अल्लाह से डरने में, अल्लाह के दीन की दावत में, अल्लाह के दीन की इशाअत में, अल्लाह के दीन की हिफाजत में, अल्लाह के दीन के लिए क़ुरबानी देने में, और अल्लाह के दीन के लिए बातें बर्दाश्त करने में गुजर जाती। तो कल भी बात आई मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आज भी, कि हमेशा बहैसियत एक मुसलमान होने के हमें आज ख़ास तौर पे फितनों के इस ज़माने में जिससे मैं और आप गुज़र रहे हैं, इन बातों में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कल अर्ज़ किया था कि हर आदमी आज इतना जरी है कि उसका कलम है, उसकी ज़बान है, उसके जज्बात है, चाहे वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, आपकी अजवाज है, आपके अहले बैत है, आपके सहाबा है, बस जिसको जितना ताकत है वो उसमें लगा हुआ है, उनकी तनकीस व तहकीर में लगा हुआ है। इसी तरह मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों,
اس دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے ماحول میں، ہماری معاشرت میں، کہ اگر ظاہر کی آنکھ سے ہم دیکھیں تو وہ بہت کمزور طبقہ ہے، مال کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، وہ ہمیں بہت کمزور دبا ہوا لگتا ہے، اس لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھے، حقیقت یہ ہے کہ ان کی برکتوں سے ہم بہت ساری مصیبتوں سے بچے ہوئے رہتے ہیں، ہم ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں اب دنیا ہے نا، ماحول ایک بن رہا ہے دوستوں، فتنوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو، آپ جس مجلس میں بیٹھیں گے، جو باتیں سنیں گے، کوئی کہے گا چندہ خور مولوی ہے، یہ فرقہ پرست مولوی ہے، یہ لوگوں کو فرسودہ اور پرانی باتوں میں لگائے ہوئے رکھے ہیں، یہ کیا ہے چند قاعدے پڑھاتے ہیں۔ یہ چند قاعدے نہیں ہیں دوستوں، یہ چند قاعدے نہیں ہیں۔ انہی زمین پر اور چٹائیوں پر بیٹھنے والے اور الف با تا سا اور الحمدللہ رب العالمین اور الف لام میم اور قل اعوذ برب الناس، یہ جو معصوم بچے آج قرآن پڑھتے ہیں نا، ہم تو شہری ماحول میں پنکھوں کے نیچے ہیں اور قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیکسوں تپائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے اس اسلامی ملک کے اطراف میں، گاؤں دیہات میں ایسے مدرسے، یقین کریں، یقین کریں کہ جو بالکل کچے فرش پر بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم پچھلے سال، ہمارا سفر ہوا، آپ ساتھیوں کے علم میں ہوگا، پچھلے سال کے آخر میں بالکل خانقاہی سفر تھا، جو ہمارے اکابر کی، بزرگوں کی خانقاہیں ہیں، تو ہم اس سفر پہ گئے، بالکل یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ہے، یہاں ہماری سلسلہ نقشبندیہ کی سب سے بڑی ابتدائی خانقاہ ہے جس سے سلسلہ نقشبندیہ چلا ہے اس ملک میں، پاکستان میں، وہ وہاں پر ہے، موسیٰ شریف، موسیٰ شریف کا علاقہ ہے وہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان تو شہر ہے، اس میں اندر پھر ڈیڑھ دو گھنٹہ اگر آپ گاڑی میں جائیں، اور ٹوٹی پوٹی سڑک ہے، اور بالکل ایک دیہات کونے میں جا کر ہے، وہاں موسیٰ شریف کی خانقاہ ہے۔ اور ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بہت سارے اکابر بزرگ وہ وہاں پر مدفون ہیں، ان کی قبور پر، اس خانقاہ پہ ہم نے حاضری دی۔ وہاں ہمارے ایک ساتھی بھی تھے بنوری ٹاؤن میں، ہمارے ساتھ پڑھے ہوئے، وہ بھی وہیں کے ہیں، اس علاقے کے، ڈیرہ اسماعیل خان کے۔ ان سے رابطہ ہوا تو بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ جہاں بھی جائیں لیکن آج رات آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے ساتھ گزاریں۔ ہم موسیٰ شریف سے فارغ ہوئے اور پھر اس ساتھی سے رابطے میں آئے، ڈیرہ اسماعیل خان شہر، پھر وہاں سے وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھے۔ ان کا پھر اندر کے ایک دیہات میں جا کے، بالکل ایک چھوٹے سے گاؤں میں، ان کا گھر تھا، ان کی مسجد تھی، والد صاحب ان کے عالم تھے، اور مسجد کے ساتھ ان کا چھوٹا سا مدرسہ تھا حفظ ناظرہ کا، بچوں کا۔ اصل بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم، اور وہ سب اس علاقے کے نہیں تھے، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے وہاں پہ مقیم بچے، وہاں جا کے احساس ہوتا ہے کہ آپ کے اس قرآن کا، اس دین کا علم، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس پر محنت کرنے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ دوست، ہم تو یہاں کھا رہے، پی رہے، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو رات مجھے وضو کا تقاضا ہوا بیت الخلاء کا، تقریباً یہ فجر سے ایک ڈیڑھ گھنٹے پہلے کا وقت ہوگا، میں اٹھا بیت الخلاء کے لیے، کمرے کے ساتھ ہی قریب تھا، اور اس طرف مسجد تھی۔ آپ یقین کریں، وہ معصوم بچے، وہ اس رات کے پہر میں ان کو اٹھایا ہوا تھا، وہ سب مسجد میں جمع ہو کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ تہجد میں ان ساتھی نے کہا ہم بچوں کو اٹھاتے ہیں تہجد میں، اور یہ بچے وضو کر کے تہجد پڑھتے ہیں پہلے، پھر فجر کی اذان تک یہ بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ مجھے اپنے اوپر اتنی شرم آئی، قرآن کے ساتھ سامنے بیٹھا ہوا، کہ ہم اے سفید کپڑوں میں، ٹوپیوں میں اپنے آپ کو کچھ کہتے ہوئے گھومتے ہیں۔ اصل یہ ہے، یہ معصوم بچے ماں باپ سے دور، گھر سے دور، اور اس کچی مسجد جس کا فرش بالکل کچا تھا، چھوٹا سا، اس میں بیٹھ کے وہ آگے پیچھے ہل کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ چندہ خور مولوی نہیں ہے دوستو۔ آج ہمارے اس ملک
पूरे आलम कुफर की नज़रों में, हर काफिर की नज़र आपके पाकिस्तान पे लगी हुई है, चाहे वो पड़ोस में हो या दूर हो, हर आदमी ने दांत तेज़ किए हुए हैं। और इतनी तरक्की के बाद और सब कुछ के बाद भी कोई तो वजह है ना दोस्तों कि अल्लाह पाक ने इन मुसीबतों को, इन अज़ाबों को, इन फितनों को रोका हुआ है, जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। और आने भी लगता है तो हमें एक जहन दिया जाता है कि नहीं भाई, इस तबके से, इनसे दूर रहो। नहीं दोस्तों, अल्लाह के कलाम की बड़ी बरकतें हैं दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। हमें शहर की इन तनाउम व तायुश की ज़िंदगी ने बहुत ही तकब्बुर में डाल दिया है, मुब्तला कर दिया है, हम कुछ समझते ही नहीं हैं। लिहाजा जो बेचारा पुराने लिबास में नज़र आया, उसका रुमाल गंदा है, टोपी गंदी है, हम कहते हैं ये थर्ड क्लास तबका है हमारे मुल्क का। और जो हमारे जो एक तरक्की में रुकावट बना हुआ है, रुकावट नहीं, खुदा न ख्वास्ता अल्लाह वो दिन न लाए इस मुल्क पर अगर ये तबका नहीं रहा और ये अहले दीन, अहले हक, अहले दावत ये अगर नहीं रहे इस मुल्क में, आप देख लीजिएगा कि इस मुल्क के साथ क्या सुलूक और क्या हशर होता है इसके सेकुलर बनने में। आज जो दीन महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह, ख़त्म नबूवत का अकीदा आइनी तौर पे महफूज है, आपकी मस्जिदें महफूज हैं, आपके दीनी शायर महफूज है, कवानीन बने हुए दीन के लिए, इन सब का सबब हमारा क्या ख्याल है, ये इन लोगों ने बनाए हुए, ये इन्हीं चटाइयों से पड़े हुए, ये फ़कीर दरवेश मनश उलमा, ये इन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। और जहाँ जिस मुल्क में ये नहीं रहे, वहाँ जो दीन का मजाक हुआ है वो अल अमान वल हफीज। इसलिए हज़रत शेख उल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम का सफ़रनामा आप देखें, उसमें हज़रत ने अपने पूरी दुनिया के असफ़ार लिखे। हज़रत फरमाते मैं त्यूनिस गया, त्यूनिस एक मुल्क है ना दुनिया का, त्यूनिस गया, इस्लामी मुल्क है, और अपने मिजाज के मुताबिक हर इंसान को अपने जिंस की तलाश रहती है। तो मैंने वहाँ के साथियों से कहा कि यहाँ त्यूनिस अरब मुल्क है, इसका बड़ा नाम है, यहाँ कोई पुराने आलिम है इस तरह के? उन्होंने कहा एक शेख है बहुत बड़ी उम्र के, गोशनशीन हो गए, आप कहें तो उनके पास चलते हैं। तो कहा वो साथी मुझे ले गए उनके पास, शेख के पास। जब हम दाखिल हुए, बिल्कुल पूरे बुढ़ापे में, बिल्कुल जैसे इंसान करीब उलमर्ग होता है, दाढ़ी सफ़ेद, भवें सफ़ेद, पलके सफ़ेद, बिल्कुल ज़ईफ़ हो गए थे। साथियों ने तारुफ किया कि ये हज़रत आए हैं पाकिस्तान से, वहाँ के बड़े आलिम हैं, बहुत खुश हुए। तो फिर मुझसे पूछा कि हाँ भाई आप पाकिस्तान में आप क्या करते हैं? मैंने कहा हमारा एक इदारा है, मदरसा है, हम किताबें पढ़ाते हैं, हमें हमारे माँ बाप ने दीन पढ़ाया, आज हम पढ़ाते हैं। अच्छा मदरसे में क्या क्या पढ़ाते हैं? तो हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि हम मदरसे में नहू की ये किताब, सर्फ़ की ये किताब, तफसीर की ये किताब, फ़िक़ा की ये किताब, बलागत की ये किताब, हदीस की ये किताब, हम ये पढ़ाते हैं। हज़रत मुफ्ती साहब का जुमला आप उस किताब में पढ़ लें, मैं मुबालगा नहीं करता हूँ, फरमाते हैं वो शेख चीख मार के रो पड़े, चीख मार के रोए और फरमाए हाय हम महरूम हो गए। का ये सब किताबें हमने भी पढ़ी, इस मुल्क में भी थी, यही सिलसिला था मदारिस का, दीन का, उलमा का, हम इसी तरह पढ़ रहे थे। लेकिन कहा आज आप पूरे त्यूनिस में देख लें, मदरसे हैं, सरकारी मदारिस हैं, आपको ये जो किताबों के नाम आपने लिए एक भी नहीं मिलेगी आपको। तो मैंने पूछा हज़रत ऐसा क्यों हुआ? फरमाया ऐसा इसलिए हुआ कि हमने और हमारे उलमा ने, हमें हमारी हुकूमतों ने ओहदों की, तनख्वाहों की, मनसब की पेशकश की, पेशकश की, आपको तनख्वाह हम देंगे, आपको फलां ओहदा देंगे। ये जो आज होता है ना कि भाई ये मौलवी इन चीज़ों को क्यों कबूल नहीं करते, दोस्तों इसके अंदर का जहर अगर आपको समझ आ गया ना, तो हम इन उलमा का शुक्र अदा करते हुए नहीं थकेंगे। का हमने तनख्वाहें कबूल की बड़ी बड़ी, लाखों में हमें तनख्वाहें मिली, मनसब मिले, ओहदे मिले, गाड़ियाँ मिली, हमने कहा भाई मज़े हो गए। कुछ अरसा जब उन राहतों में गुज़रा,
फिर त्यूनिस की हुकूमत ने हमें बुलाया, कहाँ भाई अब ये करना है, अब आपको निसाब से ये किताब हटानी है, ये तफसीर हटानी है, ये हदीस हटानी है, ये फ़िका। हम जिसका खा चुके थे अब इनकार कैसे करते, जिनकी तनख्वाहें ले चुके थे। कहा हमने तो ये किया, महरूम हो गए। कहा तुम पाकिस्तान के उलमा ने मनसब और तनख्वाहें नहीं ली, कभी मत लेना, अगर लिए तो हमारे हमसे इबरत हासिल कर। इसलिए मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इन बातों का मकसद सिर्फ़ इतना है कि ज़ाहिरन तो लगता है, हमें भी लगता है कि एक आदमी जो है वो बेचारा घूम रहा है कि भाई मेरे मदरसे को चंदा दे दो, मेरे तलबा को चंदा, मैं 1000 रुपये दूंगा, अपना एहसान भी जतलाऊंगा कि देखो मैं तुम्हें डोनेट कर रहा हूँ, उसको कमज़ोर समझूंगा। अब ये बेचारा एक से दूसरे से 10 आदमियों से मांग के जाके उन बच्चों को पढ़ा रहा है। हुकूमत कहे भाई 5 अरब का बजट है, ले लो मदारिस को, किसको ज़रूरत है किसी के दरवाज़े पे जाने की। लेकिन याद रखें, हमारे आने वाली नस्लों के दीन के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ इसी तरतीब में, वो इसी तरतीब में। वरना बहुत दुनिया के इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ पे मदारिस हैं, सिलसिले हैं, लेकिन इस शक्ल में नहीं है। वो एक ऑर्डर आए कि मस्जिदें बंद तो 100% बंद। आपके यहाँ तो जो तकलीफ़ के हालात आए, मस्जिदें बंद हुई, लेकिन देखें लोग कितने बेचैन थे। हर आदमी बेचारा मस्जिद के दरवाजे तक आता था कि मुझे जुमा मिल जाए कहीं ना। ये छुप छुपा के जो हम जुम्मे पढ़ रहे थे, किसी दिन आपने सोचा कि ये दीन का इतना जज्बा मेरे दिल में किसने पैदा किया? कोई तो चीज़ थी ना जो हमें अंदर से बेचैन कर रही थी। यही फर्श और चटाइयों पर बैठे हुए मौलवी हैं जिन्होंने इस मुल्क की बुनियादों में दीन की मोहब्बत डाल दी है दोस्तों। इसलिए चूँकि मुल्क बना कलमे के नाम पे, दीन के नाम पे, और इंशाल्लाह क़यामत तक ये कायम और दायम रहेगा, कोई दुनिया की ताकत इसको ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मुल्क की एक इस्लामी शनाख्त है, एक इस्लामी तसव्वुर है दोस्तों, उससे ख़ुद को भी जोड़ कर रखे, अपनी औलाद को भी जोड़ कर रखे, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाएँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसे अर्ज़ किया था कि कल बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह, जैसे हर अंग्रेज़ी महीने की पहली इतवार को हमारी माहाना इस्लाही मजलिस और मजलिस ज़िक्र होती है ना, तो कल इंशाअल्लाह बरोज़ इतवार इशा की नमाज के बाद इस्लाही बयान, मजलिस ज़िक्र, ख़त्म ख्वाजगान की मजलिस होगी। तमाम अहबाब उसमें अहतमाम से शिरकत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम। وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته।